जॉब करना होता है। चालू है, चालू। तो मैं जॉब जो पहले सीढ़ी होती है, मैं नहीं मानता कि अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो अपन बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस के कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कि अपना सेल्फ बिजनेस खोल लो, दुकान खोल लो, और फिर अपन दुकान चलाए, हो जाता है अपना सेल्फ बिजनेस। अगर अपन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं लाइक दैट, अपन टीम वर्क करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारे छोटे छोटे परिवार, आपकी टीम में इन लोग को देखना है, जो अच्छा बोलेगा उसको बताना है आप लोग को, और आप लोग की टीम में देखना है कि जो अच्छा बोलेगा उसको बताना है। ठीक है, चलो आप लोग बहुत बहुत करना। तो जिसमें अगर गरीब परिवार, जैसे कई लोग सोच रहे थे कि एकदम छोटे परिवार वाले क्या है कि बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे उनके घर में खाने के लिए नहीं है, जिनके घर में कुछ नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो केवल जॉब करके अपने घर चला सकते हैं। अगर जो जॉब करके घर चलाते हैं तो केवल अपने शौक पूरे नहीं कर सकते, केवल जरूरत पूरा कर सकते, है ना। और अगर अपन जॉब करते हैं तो जॉब में अपनी सिक्योरिटी नहीं रहती है कि भाई हम आज जॉब में लग गए, चलिए अगर लग भी गए जॉब में तो हमारी सिक्योरिटी रहेगी कि जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा, सिक्योरिटी रहेगी। आज के कोविड-19 पैंडेमिक में अगर देखें तो करोड़ों लोग की नौकरी गई है जो जॉब करती थी, रियलिटी है ये, कई लोग की नौकरी गई है। अगर और एक बात बताते हैं, जैसे अपन जॉब करते हैं, जैसे मेरे घर में मेरे पिताजी अगर जॉब कर रहे हैं, है ना, अगर बाई चांस ऐसा ना हो, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे घर में क्या होगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, पैसा क्रेडिट होना बंद हो जाएगा। अगर लेकिन अगर हम अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं तो हमारे घर में तब भी पैसा आएगा, अगर जब तक हमारा बिजनेस चलेगा। और बिजनेस अगर मैं नहीं रहा तो मैं मेरे भाई चलाएगा, कोई भी रहेगा चला सकता है। अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कोई भी जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा भाई जॉब नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, मेरी स्किल अलग है, उसकी स्किल अलग है। इसलिए अपन मैं इसलिए इसमें जॉब नहीं जाना चाहता, जॉब इसलिए नहीं जाना चाहता कि जैसे मेरे घर में मेरे पिताजी विकलांग रियलिटी है, और मेरी माँ, वैसे तो मेरे घर की क्यों है लेकिन हाउस वाइफ है, वो सब काम करती हैं। तो अगर क्या होता है कि जैसे मेरे घर में मैं लौता मान लिया, अगर मेरे को जॉब करना है तो मेरे को, मैं जहाँ रह सकता हूँ वहाँ रह के जॉब नहीं कर सकता, मेरे को कहीं बाहर जाना है जॉब करने के लिए। अच्छा, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे, जब मैं बाहर जॉब करने के लिए जाऊंगा तो मेरे माता पिता की आयु क्या होगी, मैंने तो बूढ़े हो जाएंगे, तब मेरे पापा जी तो विकलांग है, अगर कुछ सामान लेने भी जाना है तो जा नहीं सकती, मेरी माता जी भी नहीं जा सकती। इसलिए अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं घर में रह के बिजनेस करके अपना बिजनेस कर सकता हूँ और उनको भी सब सुविधाएं दे सकता हूँ। और जॉब बिजनेस भी कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो उसमें सबसे बड़ा काम रहता है टीम वर्क का। अगर मैं टीम वर्क करता हूँ, मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ, आज मैं चलो घर में बैठा हूँ, तो भी मेरे पीछे अगर टीम वर्क पूरा है तो भी मेरे घर में पैसा आएगा, है ना। और जैसे एक बात हो गई हॉलीडे की, चलिए अगर कोई जॉब कर रहा है, मेरे जो जॉब वाले, अगर कोई मेरे साथ जॉब कर रहा है, मतलब जॉब कर रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपन लोग की अच्छी दोस्ती है, मैं इनको बोला चलो भाई अपन चलते हैं 3 महीने के लिए हॉलीडे में, चलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, ऐसा करते हैं, जॉब वाला तो नहीं जा पाएगा क्योंकि बिजनेस वाला जा पाएगा। क्यों जा पाएगा, जब तक वो काम नहीं करेगा तो पैसा कैसे आएगा। क्या कोई 3 महीने की छुट्टी दे सकता है किसी बिजनेस जॉब में, बिजनेस वाला आराम से कर सकता है। और भी कई पॉइंट लिखे होंगे, आप लोग बहुत करना, इनको बताना कौन अच्छा बोला और आप लोग इनका बताना। गुजरी है अभी के, क्योंकि कोरोना टाइम
लेकिन जो प्राइवेट थे तो उनका एक बार सॉरी एक बार में निकाल दिया या फिर उनको एक वार्निंग दी गई कि भैया तुम्हें यहाँ का करना है या फिर छोड़ दो। लेकिन कोरोना टाइम में ऐसा था जो एक बिजनेसमैन पर्सन था, बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का जो छोटा सा जो ठेला लगा रहा है, छोटा सा व्यापारी है जो छोटा ठेला लगा, वो भी बिजनेस की शुरुआत है। एक दिन में वो जो छोटा सा ठेला लगाता ना वो कितने रुपए कमाता हुआ वो अंदाजा नहीं लगा सकते अपन। एक दिन में वो कितने पैसे कमा लेता है बिजनेस में छोटे से ठेले से, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। और सबसे पहले तो जॉब में रह के हमारा माइंडसेट होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए कि हमें बिजनेस करना है और हम जॉब से निकलना है तो हम कर सकते हैं। तो अभी ऐसा तो नहीं कि हम जॉब नहीं करें, क्योंकि बिजनेस में जाने के लिए तो हमें जॉब तो करनी ही पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा हर चीज को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन पहले बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए। अभी मेरा ऐसा है कि लगता हुआ कि क्या कर पाएगी लड़की, कर पाए ऐसा होता है मतलब मेरे मोहल्ले में अगर घर में देखो बहुत होता है, लेकिन मेरी थिंकिंग है ऐसी कि मैं बिजनेस करूंगी। वो बात है कि वो ये मैं दो तीन साल मुझे अच्छे से सीखना है, अभी तो बहुत कुछ मुझे सीखना, लेकिन ये है भला कोई सा बिजनेस करूँ लेकिन बिजनेस करूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना, अपने शौक और सिर्फ मुझे अपना ही नहीं करना अपनी फैमिली का भी करना। अब वो बिजनेस के चलते नहीं हो पाता है, कभी नहीं हो, क्योंकि लड़की पहली बात तो लड़की है तो बाहर से जाने मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो उनके साथ उतनी सारी फैसिलिटीज से भी नहीं हो पाता है। अगर खुद का बिजनेस रहता है घर यहीं पर है तो हम खुद का बिजनेस करते हैं तो हम खुद का भी कर सकते हैं फैमिली का भी कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए माइंड सेट होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए बस। और कौन बोले जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मॉर्निंग टू ऑल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सब सोचें कि हम जॉब करेंगे तो आपको बिजनेस ही वाले जॉब मिलेंगे, यदि हम बिजनेस वाले नहीं होंगे तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी। सारे गवर्नमेंट आपको जॉब और बिजनेस खोलने के पहले सबके माइंड सेट मतलब इतने रहते कि यार मैं आगे करूँगा क्या, स्कोप मिलेगा और मनी का मैं कहाँ से अरेंज होगा। तो यार हर्षद मेहता ने बहुत अच्छी चीज कही है, इश्क है तो रिश्क है। यदि आप अपने काम से इश्क करते हैं तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचा उठ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जॉब करने से वो आपकी जरूरतें पूरी होगी, मगर शौक पूरे करने तो बिजनेस करने। और आजकल ये सोचते हैं कि यार हम अपना बिजनेस कैसे खड़ा करें, इससे अच्छा है कि यार जॉब करनी, क्योंकि सिक्योर रहती है आपकी जॉब, क्योंकि आपको मंथली सैलरी मिलेगी, कहीं रिस्क नहीं रहेगा, कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, या जॉब में कुछ लॉसेस हो रहे हैं या फिर कहीं कुछ डैमेजेस है, हाफ सैलरी मिलेगी। मगर हम बिजनेस वालों का रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ अचीव करके देना चाहते हैं, कुछ की स्टेटस पाना चाहते हैं लाइफ में। और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कोप्स दे रही है बिजनेस ओपन करने वालों को, 5 लाख 10 लाख से लेके कई करोड़ तक का बिजनेस लोन मिलता है, इसमें सब्सिडी तक मिलती है। मतलब 10 लाख का लोन ले रहे हैं आप तो उसमें 3 से 4 लाख तक की आपको सब्सिडी मिल जाती है। प्लस एक चीज और है कि जो सबके मन में आती रहती है कि बिजनेस करने वालों के लिए क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। हाँ ये चीज है कि यदि आपका एक माइंडसेट अच्छा है कि आप क्या बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बस उतना होना चाहिए कि मैं जैसे एक टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी लॉकडाउन के टाइम पे मेरे दिमाग में भी आया था कि मैं ऑक्सीजन एक प्लांट डालना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने बस सोच बस लिया, इसके बाद मेरे को फंड की जरूरत है और ऐसे पर्सन मतलब क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत है जो कि मेरे को उस स्टार्टअप को और हायर लेवल पे ले जाने में हेल्प करे, उसके लिए मैं आप लोग को हायर करता हूँ। ऐसी चीज हम लोग को आपसे बेटर बना। और भी चीज़ें हैं कि जैसे हम लोग को रिस्क ज़्यादा रहता है चीज़ों पे कि बिजनेस करने वाला है तो उसको आगे जाके किसी भी जगह पे रिस्क हो सकता है, कभी भी उसका बिजनेस ठप हो सकता है, मगर ऐसा तो आप लोग की स्ट्रीम में भी रहता है। आप जैसे एयरलाइंस का देख ले, रिसेंटली हुआ था अभी तो उनके साथ क्या हुआ था, उनके कई मतलब जो लाख जो एम्प्लॉयज थे उनको नौकरी छोड़ना पड़ गया था। और रिसेंटली HAL के साथ भी हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमारी ये बेंगलुरु में जो हमारे यहाँ पे फाइटर प्लेन्स और अदर प्लेन्स बनाती है, उनने 11.5 लाख करोड़ रुपए इतना उधार लिया कि अपने एम्प्लॉयज को दे सके संभाल सके। और भी कोविड के समय आपने देखा ही होगा कि मतलब मोस्टली बिजनेस ही चले, जैसे हॉस्पिटल ये भी एक टाइप का बिजनेस है, मेडिकल शॉप ये भी अपना बिजनेस रन कर रहा है,
और भी अदर अदर बिजनेस, तो मतलब पैंडेमिक सिचुएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दैट कोविड की, कोविड बस की बात नहीं करो, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें से बिजनेस रन कर पाता है। हम तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी होते हैं, बैंक वाले भी रहते हैं, तो उनको भी 50% पे स्केल दे के रोक दिया गया था कि आपको इतनी मिलेगी, यदि आपको इतने में सेटिस्फाई नहीं है तो घर पे बैठे। मगर बिजनेस वाले ने एक तो सबसे पहली चीज, हर जगह पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, यदि हम बिजनेस वाले नहीं होते तो पैंडेमिक की सिचुएशन आज जो जिस हमारा देश रिकवर करके बैठ गया है ये इतना नहीं होता, क्योंकि चाहे डिवाइसेस की बात हो चाहे कुछ चीज, आपने हमें हेल्प किया, वी आर प्राउड ऑफ यू, बट क्या रहता है कि यदि हम नहीं होते तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कौन देता, देश को बचाने में हेल्प कौन करता, तो वो हमने किया पैंडेमिक के टाइम पे। हमने रिस्क उठाया, नहीं करो योर्च करो, डबल सप्लाई करो, डबल क्वांटिटी करो, डबल मैन्युफैक्चरिंग करो, मगर इसी कारण आज चीज में हमने काम किया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस बिजनेस। तो पहले तो मैं दो जो टॉपिक्स हैं बिजनेस और जॉब, उसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ। बिजनेस का मीन्स होता है बिजीनेस, ना हम सभी लोग बिजीनेस हैं, सभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी भी तरह से हैं हम बिजी हैं। बिजनेस का मतलब होता है डीलिंग विद एनीवन, ना हम किसी भी चीज से हम डील करते हैं, हम किसी छोटी सी छोटी चीज में भी डील करते ही करते हैं। जॉब क्या होती है, जॉब का फुल फॉर्म है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, तो एट दी एंड आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन दूसरे के लिए कर रहे हो, ये इसका मतलब यही हुआ कि डील कर रहे हो। अब एक छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई बोलता है कि हम सिर्फ जॉब ही करते हैं, तो ये सरासर गलत है। आप में से कोई भी होगा जैसे मार्केट भी जाता हो, कोई भी चीज लेता हो, जैसे सब्जी लेता हो एक एग्जाम्पल, मोल भाव करते हैं, एट दी एंड आपने बिजनेस ही किया, ये सबसे छोटी बात है। फिर आप अपने ड्रेसेस लेते हो, आप शूज लेते हो, कोई भी चीज लेते हो, तो आप या तो अपना ब्रांड देखते हो एक पसंदीदा ब्रांड, फिर आप शोरूम जाते हो, स्टोर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो एट दी एंड आप बिजनेस डील ही कर, जॉब भी है एक तरह से, जॉब भी आप अगर आप कर रहे हो तो बिजनेस डील ही है। क्यों है मैं बता, अगर आप आईटी कंपनी में एग्जांपल, तो आप छोटी आईटी कंपनी को प्रेफर करोगे या बड़ी आईटी, इसका मतलब है आप अगर छोटा रिस्क लेना चाहते हो तो आप छोटी कंपनी को प्रेफर करोगे। अगर आप जैसे सर ने बताया कि एमएनसी में जाना चाहते हो, बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हो, तो इसका मतलब हाई रिस्क टेकिंग है, दैट मींस आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो, आप डील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ भी डील कर रहे हो, आप अपने स्किल्स के साथ भी डील कर रहे हो। एट दी एंड जॉब है वो एक छोटा सा पार्ट है बिजनेस लाइफ में, हम अपनी फैमिली में भी डील कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, हमारे यहाँ शादियां होती है, लड़का लड़की भी देखते हैं, रिश्तेदार आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो वो डील ही करते हैं क्वालिटीज के हिसाब से, आपकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, एट दी एंड बिजनेस डील। अब मैं आता हूँ कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि मैं इस पेपर में बोल रहा हूँ तो मैं बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। बिजनेस होता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होता है क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ करना ही चाहते हो, एक ही लाइफ में नहीं है, जितना बेटर बनाना है हम आज ही बना सकते हैं और रिस्क लेके ही बना सकते हैं। यदि आपको दूसरों के लिए काम करना है या फिर सेवा भाव ही करनी है तो बिजनेस लेके करिए, जॉब ही क्यों कर सकते, है ना, दूसरों को जॉब दे सकते हो आप। एप्पल है, कोई भी कंपनी आप पढ़ो, है ना, यही इंडिया की लिख दो, रिलायंस हो गई, टाटा हो, वो क्या कर रही है, उसने एक आइडिया पे वर्क किया, उसने लोगों को जॉब दिया है, वो रतन टाटा जी अब वो नहीं करते वर्किंग, वो दूसरों से करवाते हैं, उनकी पैसे भी नहीं करते, तो बिजनेस फिर क्या होता है, उनसे दूसरे बिजनेस आइडियाज भी जनरेट होते हैं। आप एक जॉब करो, उसको बिजनेस करो, फिर बिजनेस में आपको स्किल्स डेवलप करो, उसके बाद उसको छोड़ दो, दूसरे आपके अंडर काम करो, फिर दूसरी स्किल्स डेवलप करो, बिजनेस करो और दूसरे को लिए दे दो। तो हम क्यों ना ऐसे एंटरप्रेन्योर ऐसे बिजनेसमैन सोचा करें, है ना, बिजनेस है लाइफ में रिस्क लेता है, हाई क्वालिटी मिलियनेयर बन सकते हैं, बिलियनेयर बन सकते हैं। साथ ही साथ होती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जॉब में क्या होता है हमारी सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम एक ही सेल्फ ओरिएंटेड है, यहाँ क्या होता है बिजनेस ओरिएंटेड भी है, लाइफ में
देश के लिए भी कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं, हम सबके लिए एक नई चीजें करते रहते हैं, सोशल वेलफेयर तो करते ही करते हैं। अच्छा प्रॉफिट है तो कोई बोलता है कि जॉब में सब बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं है, अरे जॉब में प्रॉफिट नहीं तो आप सैलरी मत करो, मतलब सीधी सी बात है। बिजनेस में 100% प्रॉफिट भी आपका है, 100% लॉस भी आपका है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा तो ठीक है आप ग्रोथ करोगे, लेकिन लॉस हो रहा है तो आपको न्यू आइडियाज देते हैं कि हम इसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्योंकि सर लोग के जैसे मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल था सर से, मैंने बोला कि सर ठीक है बच्चे आ रहे हैं लेकिन सिर्फ जबलपुर के ही आ रहे हैं, अगर आपको ग्रोथ करना है नई ब्रांचेस भी खोलनी है, जाहिर सी बात है बिजनेस ग्रोथ करेंगे विस्तार इंस्टीट्यूट विस्तार हो रही है, तो आपको बाहर के लोगों को टारगेट करना है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम जॉब में ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं जॉब में ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और मैं अपना काम एक्सपेंड कर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लाइफ टाइम लिमिट है 24 घंटे में मैं बस इतना ही काम। लेकिन बिजनेस में ये हो सकता है कि मैं बहुत सारी ब्रांचेस खोल दूँ, वहाँ पे बहुत लोगों को अपॉइंट कर दूँ, तो मेरी इनकम या मेरा अमाउंट है या मेरी सोर्सेस ऑफ इनकम वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कि मैंने लोगों को सिखाया, मैंने ब्रांचेस खोली और बहुत सारे लोगों को अर्निंग किया। सर ने बहुत अच्छी बात की कि हाइस्ट टैक्स पेयर बिजनेसमैन ही हो, अगर आप, और इन्होंने भी कहा था आपको सुनना है रोहन जी ने जैसे कहा था कि पेंडेमिक के समय बिजनेसमैन ने ही सबसे ज्यादा हेल्प की। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनने अपनी सैलरी में से, मतलब अभी तो नहीं है, जैसे बहुत सारी फैमिलीज की भी सैलरीज में से कितने लोगों ने 90% 50% 40% 30% भी दिया हो, नहीं दिया होगा उतना पर सैलरी पर फैमिली के हिसाब से, लेकिन बिजनेसमैन ने दिया है। टाटा जी को ही देख लो, अंबानी जी को देख लो, इवन छोटे बिजनेसमैन ने जबलपुर के भी देखे। मैंने एक क्लाइंट आरबी कर, उन्होंने सर कलेक्टर से उनका टाइप होता है कि जबलपुर में जो पेंडेमिक के समय पूरे समय खाना गया है ये कोविड पेशेंट्स को गया है, उन्होंने सप्लाई की है और उनको उनके यहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स वाले आते हैं। एक और सवाल है, मैं मुझे लगता है कि वो सवाल आएगा ही सामने सामने जाएगा कि सरकारी जॉब का आएगा, बड़ी बड़ी जॉब्स का आएगा कि आईएएस है यूपीएससी करके लोग अच्छी अच्छी जॉब, इंडिया में कितनी पोस्ट होगी इसके लिए, इंडिया में कितनी पोस्ट होगी इससे रिलेटेड, आईएएस यूपीएस सीबीएसई कलेक्टर को लेकर कितनी होगी? आईएएस हर साल 1000 में अपॉइंट करता है जी, हर साल कलेक्टर्स की कितनी होगी, कलेक्टर्स ₹19,000 अपॉइंट होते हैं, ठीक है, बैंक के लिए आपके 19,000 हर साल अपॉइंट होते हैं, ठीक है, SBI अपने अलग से 7,000 एम्प्लॉय करता है।